एक बार फिर सायला पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। वह क्षेत्र में हुई चोरियों का राजपाश करते हुए चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। हमारे साथ हैं सीआई ध्रुव प्रसाद जी, उनसे बात करते हैं। जी सी सर, बताएं क्षेत्र की कितनी चोरियों का राजपाश हुआ है और कितने आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पिछले कुछ समय से 10-15 दिन से मेरे हलके में कुछ मंदिरों में ताले टूटकर और दान पात्र वगैरह ले जाकर और उनको तोड़कर पैसे से चुराना, उसके अलावा एक दो मोटरसाइकिलें और एक कोई पानी की मोटर वगैरह चुराने की वारदात हुई, जिस पर मैंने दो टीमें बनाकर और माल मसलू का व मुलजिमान की दस्तावेज हेतु तलाश पताशी शुरू की। इस दौरान एक गैंग पकड़ में आई, जिसमें महेंद्र कुमार मेघवाल निवासी फागोत्रा, सुरेश कुमार मेघवाल निवासी वाड़ाबाड़ी, प्लस एक इदरीस मुसलमान निवासी राह और एक सागर उर्फ पप्सा मुसलमान निवासी राह। ये लोग पहले रेकी करते हैं और उसके बाद में ये वारदात को अंजाम देते हैं। इनके पास से हमने विभिन्न थानों के लगभग ये भीनमाल, झाप, चितलवाना, बागोड़ा और सायला, इस हलके में इन्होंने विभिन्न वारदातें की है, जिसमें से 5 मोटरसाइकिलें इन्होंने चुराना कबूल किया है, 4 मंदिरों में चोरियां करना और 2 पानी की मोटर चुराना व 4 स्टार्टर उर्फ पैनल जो ट्यूबवेल पे लगे होते हैं वो चुराना कबूल किया है। अब तक अभी तक और कोई संभावना है और राजपास हो सकता है? अभी देर तक इनके पास जो कुछ साथी है जो इनके वारदातों में शरीक रहे हैं वो अभी दस्तयाब नहीं हो पाए हैं और उनकी तलाश जारी है। प्लस और वारदात है, हमने हमारे थाने की जो वारदात है वो तो 5 वारदातों में इन्होंने कबूल कर लिया है, और थानों की कितनी वारदातें की है, कहाँ कितनी हुई है, वो संबंधित थानों से लिस्ट मंगाने के बाद ही पता लग पाएगा कि कितनी उनकी वारदात है। ये थे हमारे साथ सीआई ध्रुव प्रसाद, जिन्होंने बताया कि आसपास के क्षेत्र में हुई कुल 15 चोरियों की वारदातों का खुलासा हो पाया है। वहीं 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, वो आगे भी इनसे पूछताछ जारी है। वह इनके साथ और जो साथीगण हैं उनको भी जल्द ही गिरफ्त में लेकर आगे की चोरियों का राजपाश किया जाएगा। कैमरामैन एचआर सुधा के साथ सुखदेव सिंह राजपुरोहित, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, सायला।